विश्व हिंदू परिषद द्वारा बुधवार को पत्र परिषद ली गई, जिसमें पंढरपुर वारी को अनुमति की मांग करते हुए कहा कि पंढरपुर तक वार्षिक वारी पदयात्रा की अनुमति दी जाए, अन्यथा आने वाले शनिवार 17 जुलाई को पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि पंढरपुर तक वार्षिक वारी पदयात्रा की अनुमति की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोरोना वायरस जनित महामारी के कारण राज्य सरकार ने वारी कार्यों को पारंपरिक रूप से पदयात्रा निकालने की बजाय सीमित संख्या में बसों से पंढरपुर जाने की अनुमति दी है। विहिप नेता संतन कुमार गुप्ता ने बताया कि वारीकरी समुदाय और संगठन के लोग प्रतिबंध के विरोध में प्रदर्शन के रूप में भजन कीर्तन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे महाराष्ट्र में ये जो सरकार है, छद्मवेशी सरकार जो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार कहती है, ये सरकार ने जो हिंदुत्व पर जो दड़पशाही शुरू की है और उसका स्वरूप हमको दिख रहा है। महाराष्ट्र के आराध्य विठोबा के दर्शन के लिए जो 500-700 वर्षों से पैदल यात्राएं निकलती थी, वारी निकलती थी, और उस वारी को प्रतिबंधित करके वारकरियों की धर्मध्वजा भगवा ध्वजा को अपमान करके उनको उनकी वारकरी वेश उतारने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यह बात अत्यंत संतप्त करने वाली है। सारा अत्याचार हिंदुत्व के लिए ही है क्या? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 700 साल पुरानी परंपरा को रोककर हिंदुओं का दमन कर रही है। सरकार को पैदल ले जाई जाने वाली 10 मुख्य पालकियों में से प्रत्येक के साथ 500 वारीकरियों को भेजने की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं, उन्हें जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।